मैडम सेंटर आपके बंदे बाइट कर लो। हेलो, थैंक यू सो मच। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मजामा को इतना प्यार मिला है हमारे पूरे ऑडियंस से। हाँ, तो मजामा के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत अप्रिसिएशन मिला है, ऑडियंस को बहुत अच्छी लगी है फिल्म, और ना कि सिर्फ लोग लेकिन पूरी फैमिली देखते हैं इस फिल्म को, और वो एक बहुत बड़ी बात है। और हमने एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर लिया है अब, और इस बात की बहुत खुशी है हमें कि सभी परिवार के सदस्य इस फिल्म को देख रहे हैं और इस बारे में सोच रहे हैं जो हमने इस फिल्म में दर्शाया है। मैम, ओटीटी मीडियम कितने हाँ ज़रूर, क्योंकि मेरे पूरे करियर में आई थिंक आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे बहुत अच्छे और पावरफुल रोल्स मिले। और ओटीटी के आगमन से क्या हुआ है कि वेमेन सेंट्रिक फिल्म्स और जो वेमेन सेंट्रिक सीरीज़ है जहाँ पे औरतें जो है वो पूरी सीरीज़ कैरी करती हैं अपने शोल्डर पे, ऐसी सीरीज क्योंकि वहाँ पे फिल्म की तरह ये नहीं सोचना पड़ता कि थिएटर में जाएगी तो पहले फ्राइडे को कितनी कमानी चाहिए, तो वो सब कंस्ट्रेंट्स नहीं हैं। आप अपनी कहानी अपने तरीके से और अपने भाषा में बता सकते हैं। रुतबा बना रही हैं और वो हम ट्रांसलेट करते हैं कि वैसी फिल्में भी बनेंगी और वैसी सीरीज़ भी बनेगी, और उनका जो किरदार है वो बहुत चेंज हो गया है और सिर्फ एक कोई अवेंजर या ऐसे नहीं रहे, वो कैरिकेचर्स नहीं रहे हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और एज पीपल वी दर्शा रहे हैं। थैंक यू सो मच। सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। Oh,